आज हमारे साथ हैं माननीय सर्वेश गौतम जी धर्माचार्य और माननीय धर्मवीर सिंह जी धर्माचार्य, जो पूरी दिल्ली में हर छुट्टी वाले दिन जो भी लोगों की छुट्टी होती है उस दिन कहीं ना कहीं धर्म प्रचार में जाते हैं, बाकायदा एक प्रणाली के तहत जाते हैं, एक प्रणाली विकसित की हुई है जो धर्म के अनुसार होती है, धर्म के लायक होती है। आज विकासपुरी बुद्ध विहार में आए हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपका ये जो इस समय आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों ही यंग हैं, जवान हैं और आपने अपना जीवन धर्म को समर्पित किया है, तो ऐसा क्या उद्देश्य आपने बनाया, क्यों आवश्यकता इसकी महसूस हुई कि आप घर घर जाके गली गली जाके हर छुट्टी वाले दिन धर्म प्रचार करें, बताएं मानव। उपासकों, हमने महसूस किया है कि सही मायने में लोगों को यही नहीं मालूम है कि आखिर धर्म क्या है, क्योंकि इसको जानने के लिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, ये जानना जरूरी है कि धर्म क्या है। अब मैं इसको जो है आपको एक समझाता हूं एक भाषा में। धर्म बुद्ध धर्म, धर्म हिंदू धर्म, मजहब इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ईसाई, ये सभी के सभी मनुष्य को जीवन जीना सिखाते हैं। धर्म यानी के जीवन जीने की कला है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। इसमें इस्लाम अपने तरीके से मनुष्य को जीवन जीना सिखा रहा है। इस्लाम सिखाता है कि अल्लाह ही सब कुछ है, अल्लाह के अधीन सब कुछ है। और क्रिश्चियनिटी सिखाती है कि ईश्वर है, अदृश्य ईश्वर, ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर के अलावा कुछ नहीं है। और हिंदू धर्म जो है बहुत सारे देवी देवता को ही आधार मानता है, वही सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये तीनों के तीनों, हिंदू भी, ईसाइयत भी और इस्लाम भी, ये तीनों के तीनों पर शक्ति के अधीन रहना मनुष्य को सिखाते हैं। इन तीनों का उद्देश्य है कि मनुष्य का जो विधाता है, जो भाग्य विधाता है, वो मनुष्य नहीं है, वो कोई और है, किसी का अल्लाह है, किसी का ईश्वर है और किसी का बहुत सारे देवी देवता हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, शिव शंकर हैं, इस तरीके से। लेकिन इन तीनों से जो अलग है बुद्ध धर्म, भगवान बुद्ध इन तीनों से अलग जीवन जीना सिखाते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं मनुष्य के भाग्य का विधाता केवल मनुष्य ही है और कोई भी नहीं है। मनुष्य जैसा जीवन जीता है, जैसा आचरण करता है, जैसी शिक्षा ग्रहण करता है, जैसे माहौल में रहता है, उसकी वैसी ही प्रवृत्ति बन जाती है, वैसा ही उसका भविष्य बनता है। अब जैसे मैं एक उदाहरण भी देना चाहता हूं, मैं बहुत बार ये उदाहरण देता हूं अपनी कथाओं में। मान लीजिए दो परिवार हैं, एक परिवार अपने बच्चे को स्कूल में लेकर जाता है रोजाना पढ़ाई करने के लिए, और एक परिवार अपने बच्चे को रोजाना अखाड़े में लेकर जाता है कुश्ती लड़ना सिखाता है, पहलवानी करना सिखाता है। दोनों बच्चे बहुत ही ईमानदारी से और मेहनत से अपना अपना कार्य करते हैं। एक बच्चा अखाड़े में कुश्ती लड़ता है, पहलवानी करता है, और एक बच्चा स्कूल में जाता है, क्लास दर क्लास अच्छे नंबरों से पास होता है। अब जब दोनों बच्चे जवान होंगे तो उन दोनों बच्चों में पहलवान कौन बनेगा और विद्वान कौन बनेगा? पहलवान बनेगा जो अखाड़े में जाता है, कुश्ती लड़ता है, ये जाहिर सी बात है, स्वाभाविक बात है। और विद्वान बनेगा जो स्कूल में जाता है। अब इन दोनों ने जो अपना भाग्य लिखा, एक ने पहलवानी में और एक ने विद्वानता में, इनका भाग्य किसने लिखा? स्वयं ने लिखा या किसी परशक्ति ने लिखा? स्वयं ने ही लिखा है ना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कभी कि जो स्कूल में जाता हो वो किसी अखाड़े में जाकर के पहलवान को पटक पटक के मारने लगे, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि अखाड़े का पहलवान किसी कॉलेज में जाके प्रोफेसर की तरह विज्ञान पढ़ाने लगे। दोनों ने अपना अपना भविष्य स्वयं बनाया है, यही बुद्ध कहते हैं। जैसा आप जीवन जियोगे
वैसा ही आपका भाग्य होगा। इस पूरे संसार में जब बुद्ध थे, ना ही तो ईसा थे और ना ही इस्लाम था, और वैदिक संस्कृति भी बहुत कम मात्रा में थी कहीं कहीं। तो बुद्ध ने फिर क्या किया है, इस संसार को, मानव जाति को सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने का तरीका सिखाया। इसीलिए बुद्ध धर्म को मानव धर्म कहते हैं, मानवता सिखाई, मानव मानव में प्रेम करना सिखाया, मानव को जीव जंतुओं से प्रेम करना सिखाया, मानव को अपने विकास के लिए कार्य करना सिखाया, मानव को एक श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करना और श्रेष्ठ जीवन को जीने की विद्या सिखाई। इसलिए बुद्ध धर्म पूरे इंटरनेशनल लेवल पर माना जाता है। जब हमने ये महसूस किया कि आज भारत के अंदर नहीं पूरी दुनिया में बुद्ध को भी लोग अलग अलग तरीके से मानने लगे, कुछ को तो यही नहीं पता चल रहा कि भगवान बुद्ध ने इस संसार को क्या सिखाया है, कुछ को यही नहीं पता चल रहा है कि धम्म और धर्म में क्या अंतर है, बहुत सारे तो धर्म और धम्म के अंतर में ही अटक जाते हैं। हमने अपना जीवन का उद्देश्य यही बनाया कि हम लोगों को सद्धम के मार्ग की तरफ लेकर जाएंगे, जो भगवान बुद्ध का सही मार्ग है, जो भगवान बुद्ध का उपदेश है, जो भगवान बुद्ध इस मानव जाति को सिखाना चाहते थे। और इसी संकल्प के साथ हमने धम्म आचार्य की व्यवस्था करी, क्योंकि भिक्षु हर कोई नहीं बन सकता और वैसे भी भिक्षु कम है। अब भिक्षु हर व्यक्ति तक पहुंच भी नहीं सकता, लेकिन धम्म आचार्य अपने परिवार के साथ रहते हुए, अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए, अपनी नौकरी अपना व्यवसाय करते हुए धम्म प्रचार को कर सकता है। उसके अंदर धम्म गुरु की छवि होनी चाहिए, वो धम्म को अपने आचरण में ढाल चुका हो, तभी वो लोगों को सद्धम सिखा सकता है। यही हमारा जीवन का उद्देश्य है, हम अपनी नौकरी के साथ साथ लोगों को धम्म सिखाते हैं। आप और जो आपके बाकी साथी हैं, सभी लोग आपको बड़े सम्मान के साथ में गुरुजी कह के पुकारते हैं। गुरुजी या धम्माचार्य जी, आपको क्यों कहना चाहिए, ऐसा क्या कारण है कि लोग आपको गुरुजी कहते हैं? देखिए, इसमें उपासकों, हमारी जो संस्कृति है, श्रमण संस्कृति, बुद्ध धम्म, ये गुरु शिष्य परंपरा है। इसमें किसी अदृश्य शक्ति के अधीन नहीं रहता है व्यक्ति, इसमें मनुष्य अपने उस गुरु से शिक्षा प्राप्त करता है जीवन जीने की, जो बुद्ध के मार्ग का फॉलो करता है, बुद्ध के मार्ग को लोगों को सिखाता है। और इसमें गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य गुरु से आगे भी बढ़ जाता है। जैसे जब हम भगवान बुद्ध की जीवनी को पढ़ते हैं, तो जो कौंडिन्य थे, वो राजगृह में भगवान बुद्ध के गुरु थे, उनको शिक्षा देते थे, लेकिन जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो गया, वो बुद्ध बन गए, तो वही कौंडिन्य सबसे पहले शिष्य बने बुद्ध के। तो हमारी जो परंपरा है, जैसे जैन है, ये भी सभी श्रमण है, बौद्ध है, ये भी सभी श्रमण है, सिख हैं, ये भी सभी श्रमण है, रैदास पंथ है, ये भी सभी श्रमण है, कबीर पंथ है, ये भी सभी श्रमण है, इन सब के अंदर गुरु शिष्य परंपरा है। गुरु ज्ञान देने वाला होता है, गुरु मनुष्य की बुराइयों को दूर करके उसके अंदर अच्छाइयां पैदा करने वाला होता है। वही काम हम करते हैं, लोगों की अंदर से बुराइयों को दूर करते हैं, उनके अंदर अच्छाइयों को पैदा करते हैं, धम्म का मार्ग दिखाते हैं, इसीलिए लोग हमें जो है सम्मान से गुरुजी कहते हैं। कितने सालों से ये काम आप और आपके साथी बाकी कर रहे हैं? हमने जो है
पूर्णिमा पर, बुद्ध पूर्णिमा पर 2018 में धम्म दीक्षा ली थी पूजनीय भंते स्वीदिया जी से, अपने वहीं लोनी क्षेत्र में ही। और तब फिर हमने जो है काम करना शुरू कर दिया था। फिर हमने बहुत सारे आचार्यों को दीक्षा दी। आज की तारीख में हमारे कुल लगभग जो हैं 10 आचार्य हैं, जो सभी अलग अलग कथाएं भी करते हैं, संस्कार भी कराते हैं, वंदनाएं भी करते हैं, और निरंतर काम चलता रहता है हमारा। लोगों को सद्धम सिखाने का निरंतर कार्य चलता रहता है। सर्वे जी, कितने तरह के संस्कार कराते हैं आप? संस्कार ये आवश्यक है कि किसी भी संस्कृति को स्थापित करने के लिए, जैसा गुरुजी ने बताया कि हमारी जो संस्कृति है वो श्रमण संस्कृति है, कौन कौन श्रमण हैं हमारे, और उस संस्कृति को स्थापित करने के लिए हमें धम्म की आवश्यकता है, जो जीवन जीने का श्रेष्ठ तरीका है। और उस धम्म को स्थापित करने के लिए संस्कारों की बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता है। यानी कि परिवार के अंदर जहाँ जहाँ से बुराई आती है उस जगह पर अच्छाई को स्थापित करना। जैसे आज से 20-25 वर्ष पहले ये कोई नहीं जानता था कि जन्मदिन पर केक कटता है, और ये संस्कार कहाँ से सीख गया आदमी? टीवी से, बड़े आसानी से, कोई सिखाने भी नहीं आया। और माहौल तो इतना खराब हो गया कि जन्मदिन पर केक भी कटने लग गया, और वो केक खाने में नहीं मुंह पर लसेड़ा जाने लग गया। और वो जन्मदिन धीरे धीरे पहले रेस्टोरेंट में गया, फिर मॉल में गया, और फिर पब में चला गया, और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर वो जन्मदिन मनाया जाने लगा। और श्रमण संस्कृति कहीं ना कहीं धूमिल होती चली गई, और परिवारों के अंदर कुसंस्कार पनपने शुरू हो गए। इसलिए कुसंस्कारों को हटाकर संस्कारों को स्थापित करना ही बौद्ध धर्म का उद्देश्य है। और उन संस्कारों को स्थापित करने के लिए, उन मनुष्य को सुधारने के लिए आवश्यक है कि हर पर्व पर, चाहे आप अपने जीवन में कोई भी कृत्य, कोई भी क्रियाकलाप करते हैं, उस अवसर पर किसी धर्मगुरु को, किसी योग्य भिक्षु को बुलाकर वो आकर वहाँ सही पर आपको उस धर्म की विवेचना दें कि इस समय आपको क्या आवश्यकता है। जैसे किसी बौद्ध धर्म के अनुसार क्या होता है कि जब बच्चे का जन्मदिन हो तो जन्मदिन के अवसर पर गुरु घर पर आते हैं, घर पर आकर बच्चे को, उसको एक साल का टारगेट देते हैं कि एक साल तक तुम्हें कैसे जीवन जीना है, और उसे बुराई से हटाते हैं। तो क्या होता है, जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, या जो लोग बड़े होते हैं, या जो कामकाजी हैं, या हाउसवाइफ हैं, या जो भी लोग हैं, उनको उनके मार्ग पर सही दिशा निर्देश देते रहना, ताकि उनके अंदर कुसंस्कृति स्थापित ना हो और संस्कार उनके अंदर सदैव सम्मिलित होते रहें। इसलिए संस्कार बेहद आवश्यक है। अब संस्कार कौन कौन से होते हैं मनुष्य के जीवन में, आज के भौतिक के समय के अनुसार हम देख के चलें तो शादी के समय क्रियाकलाप होता है, क्योंकि चाहे आदमी अमीर हो और चाहे गरीब हो, कोई भी हो, दो संस्कार तो हर व्यक्ति के जीवन में होते ही हैं। एक तो शादी का संस्कार और एक मृत्यु का संस्कार, ये दो घटनाएं हैं जो होनी ही होनी है। इसलिए उस अवसर पर अगर योग्य व्यक्ति नहीं गया तो क्या होगा कि वो हो जाएगा, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा अक्सर आजकल, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वो कर्मकांड करते हैं। कर्मकांड अगर सही में देखा जाए तो क्या है? कर्मकांड बिल्कुल वही है कि जिस क्रियाकलाप को करने, जो आप कर रहे हैं, और वो सामने बैठे वाले उपासक की समझ में नहीं आया तो वो कर्मकांड है, और अगर आप उसको समझाने में कामयाब हो गए तो वही धर्म प्रवचन हो गया। बस इतना सही अंतर है। इसलिए बौद्ध धर्म के अनुसार जब चाहे शादी का अवसर हो, चाहे मृत्यु का अवसर हो, चाहे जन्मदिन का अवसर हो, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे किसी के यहाँ बच्चे का नामांकन होना हो, चाहे किसी की सगाई हो, गोद भराई हो, चाहे कोई भी अवसर हो, हर एक अवसर पर गुरु जाता है, और उस क्षण पर उसको क्या अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहिए, नियम अपने अपनाने चाहिए, उसके जीवन के अनुसार उसको धर्म प्रवचन देता है, ताकि वो श्रेष्ठ और योग्य जीवन जी सके। संस्कारों का महत्व तो इतना है, क्योंकि इन्हीं संस्कारों की वजह से घर में कुसंस्कार घुसते हैं, और इन्हीं संस्कारों की वजह से परिवार के अंदर सही संस्कृति स्थापित होती, श्रेष्ठता स्थापित होती। इसलिए संस्कार बेहद आवश्यक है। हमारे लोग, जो भारत के लोग हैं, वो
इन संस्कारों को ना आप नहीं अपनाते हैं और केवल बुद्ध की बात करते हैं, वहां ज्ञान जगह जगह ज्ञान बांटते फिरेंगे लेकिन संस्कार नहीं अपनाएंगे, तो फिर उसका ज्ञान केवल उसी जीवन तक रहेगा और उसके जाने के बाद वहीं वो विलुप्त हो जाएगा और उसका परिवार फिर से उन्हीं कुसंस्कारों में चला जाएगा, और ये बिल्कुल निश्चित है, इसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए जरूरी है कि परिवार के अंदर संस्कार हों, क्योंकि संस्कारों से क्या होता है, जो धर्म है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है बिना किसी के चलाए, किसी को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। परिवार के लोगों को जब ये पता है कि भाई हमारे यहाँ तो जन्मदिन पर गुरु को बुलाया जाता है, तो उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं, कोई आके कहेगा नहीं कि आपको जन्मदिन पर किसी को बुलाना है या कोई कहेगा भाई जन्मदिन पर आप हमें बुलाओ, वो अपने आप ही स्वतः ही अपने यहाँ पर गुरु को बुलाएंगे और उसे प्रवचन सुनेंगे। इसलिए संस्कार बेहद आवश्यक है। इस समय पर हमने लगभग 18 प्रकार के संस्कार बनाए हुए हैं, जो व्यक्ति जो चाहे उन्हें वो करा सकता है। गुरुवर, अगर आपको संस्कार के लिए लोग ढूंढना चाहें, खोजना चाहें, तो कैसे संपर्क करेंगे आपको कि आप संस्कार कराना है? इसके लिए हम गुरु को दीक्षा भी देते हैं, हम साधारण व्यक्ति को ट्रेनिंग देते हैं संस्कार कराने की, और नए गुरुओं को दीक्षा भी देते हैं, मतलब नए व्यक्ति को धर्माचार्य दीक्षा देते हैं। तो बेहतर जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि जितने भी बौद्ध हैं, जितने भी बौद्ध बस्तियां हैं, जितने भी बौद्ध परिवार हैं, वो अपने आस पास किसी ना किसी गुरु को जरूर बनाएं और उसको दीक्षा दिलवाएं, ट्रेनिंग दिलवाएं। सबसे आसान तरीका तो ये है, क्योंकि वो जब नज़दीक रहेगा तो हमेशा आपको जो है उपलब्ध होगा, और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फिर हम अपने जो जानकार हैं, जो मित्रगण हैं, जो हमारे उपासक हैं, उन सभी पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर रहते हैं, वो वहाँ से जो है कॉन्टैक्ट करके हमें बुला सकते हैं। हमारी एक और भी विशेषता है, हम अनजान लोगों में कभी संस्कार करने नहीं जाते। कारण है, क्योंकि जो उपासक हमसे ट्रेनिंग लिए होता है, धर्म सीखे हुआ होता है, वो सारी क्रियाएं जानता है, लेकिन जो उपासक गलत तरीके से ट्रेंड हो गया वो सारी क्रियाओं को नहीं जान पाता, और वो फिर जो है संस्कार में बीच बीच में रुकावट पैदा करता है, बीच बीच में प्रश्न करता है। तो इससे अच्छा बेहतर ये है तरीका कि सभी को अपने यहाँ पहले बुद्ध कथा करानी चाहिए। बुद्ध कथा होगी तो हम उसमें सारी चीज़ें बताते चलते हैं, धर्म सिखाते हुए चलते हैं, और जब धर्म सीख जाते हैं लोग तो संस्कारों का सम्मान भी करते हैं। अब क्या हो गया कि बहुत सारे लोगों ने संस्कारों को विलय कर दिया, मिश्रण कर दिया। जैसे बहुत सारी हमने शादियों को ऐसे देखा कि शादी की डेट तो जो है हिंदू रीति रिवाज से जो है निकलवा के आएंगे पंडित जी से, और फिर उस शादी को कराने के लिए हम गुरु को बुलाएंगे, तो हम वो शादी नहीं करते, हम उसी शादी को करते हैं जिसकी तारीख भी हम ही निश्चित करते हैं पूर्णतः। आपको संपर्क कैसे करेंगे? मोबाइल हमारा फोन नंबर है, आप चाहे तो हमारा फोन नंबर लिख सकते हैं। आप एक बार बोल दीजिए ताकि वीडियो में जो लोग हैं वो एक बार नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, 7701826849 और मेरा नंबर है 9013636590। आपको कितने दिन पहले संपर्क करना चाहिए? देखिए, जब आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जैसा मृत्यु का संस्कार है, तो मृत्यु का संस्कार जैसे कभी किसी उपासक की मृत्यु हो जाती है और वो हमारा उपासक है, हमें पता चलते हैं, हम स्वयं ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम वहीं से संस्कार वहीं से शुरू हो जाता है। और यदि हमारा उपासक नहीं है, हम तक खबर नहीं है, तो फिर जैसे शांति पाठ होता है, तो जब उसको शांति पाठ रखना है तब वो हमें खबर कर सकता है। लेकिन जो हमारा जो संस्कार है पूर्णतः है, वो तभी समझ में आता है जब शुरू से ही होता। अब क्या हुआ कि
लोगों ने जैसे मिश्रण कर दिया संस्कारों को, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बौद्ध भिक्षु को बुला लेंगे शादी में, शादी में संस्कार बौद्ध भिक्षु से भी करा लेंगे और पंडित जी से फेरे भी डलवा लेंगे, तो उससे क्या हुआ, संस्कारों की जो पवित्रता है, श्रेष्ठता है, वो खत्म हो गई। जबकि मेरा मानना ये है, किसी भी बौद्ध भिक्षु को, किसी भी धर्माचार्य को, किसी भी बौद्धाचार्य को या किसी भी उपासक को ऐसे में कभी भी संस्कार नहीं करना चाहिए जब वहां संस्कार मिश्रण किया जा रहा, क्योंकि उससे संस्कारों की पवित्रता खत्म होती है और धर्म कमजोर पड़ता है। संस्कार तभी करें जब पूर्ण श्रेष्ठता से पवित्रता के साथ शुरू से लेकर आखिर तक अपनाया जाए। उसके लिए हमारा नंबर है, आप जब भी जैसे कोई गृह प्रवेश कराता है, कोई बच्चे का नाम रखवाना चाहता है, नामकरण संस्कार कराना चाहता है, कोई शादी विवाह कराना चाहता है, शादी की डेट से लेकर के शादी तक का पूर्ण संस्कार हम जो है निश्चित करते हैं, किसी को शांति पाठ कराना है तो शांति पाठ में तो आप हमें कभी भी बता सकते हैं, तभी हाजिर हो जाते हैं। किसी हम कथा 8 भाग में करते हैं, उसको आप सप्तेवाइज भी करा सकते हैं, उसको आप लगातार भी करा सकते हैं, लगातार 8 दिन तक डेली 1-1 घंटा। और अगर लगातार कराना चाहे 2 दिन की तो 2 दिन भी कर सकते हैं, 4 दिन 1 दिन, 4 घंटे 1 दिन, 4 घंटे 1 दिन। क्योंकि जब तक के लोग बुद्ध को नहीं जानेंगे तब तक के धम्म को भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए संस्कारों को अपनाना और बुद्ध को जानना ही अनिवार्य है, उसी से ही धम्म स्थापित होगा। गुरुवर, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को ही क्यों अपनाना चाहिए, क्या कारण है कि आप कहते हैं कि सिर्फ बुद्ध की शिक्षाओं को ही अपनाना है? उपासकों, इसमें देखिए, मैंने पहले वीडियो में बताया है, धर्म, धम्म, मजहब, क्रिश्चियनिटी, सभी के सभी मनुष्य को केवल जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। अब इसमें सबसे बेहतर तरीका कौन सिखाता है, आपको इसको चूज करना है। जैसे भगवान बुद्ध सीलों को सिखाते हैं, पाणाति पाता वीर मणि सिखा पदंग समाधिया, यानी कि किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी प्राणी को, जीव जंतु कोई भी प्राणी, किसी की भी हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। अदिन्न दाना वीर मणि सिखा पदंग समाधिया, जो वस्तु हमारी नहीं है उस वस्तु पर कभी अधिकार नहीं जमाना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, 400 BC नहीं करनी चाहिए, रिश्वतखोरी नहीं करनी चाहिए। तीसरा, कामेशु मिच्छाचारा वीर मणि सिखा पदंग समाधियामि, हमेशा मनुष्य को चरित्रवान रहना चाहिए, पर स्त्री या पर पुरुष के बारे में अपने मन में दुराचार की भावना को जन्म नहीं लेने देना चाहिए, यानी कि हमेशा चरित्रवान रहना चाहिए। मूसावादा वीर मणि सिखा पदंग समाधियामि, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, कभी चुगली नहीं करनी चाहिए, कभी भी व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए, हमेशा काम की बातों पर ही ध्यान लगाना चाहिए। और पांचवा बताते हैं, सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाणा वीर मणि सिखा पदम समाधियां, जो वस्तु सूंघने से, खाने से, लगाने से, पीने से नशा होता हो उसे कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, चाहे बीड़ी है, सिगरेट है, पान है, तंबाकू है, बियर है, विस्की है, वाइन है, रम है, ड्रग्स है, कोई भी नशा उसे कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ये पांचों के पांचों सील मनुष्य को पवित्र जीवन जीना सिखाते हैं, क्योंकि बुद्ध जो जीवन जीना सिखाते हैं वो स्वास्थिक जीवन है। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया है,
मध्यम मार्ग का मतलब है ना ही तो मनुष्य आस्तिक हो, आस्तिक का मतलब है पर शक्ति के अधीन हो, अपने उद्धारक किसी दूसरी शक्ति को ही मानता रहे, जैसे इस्लाम में है, ईसाइयत में है या हिंदू धर्म में है, वो सभी के सभी लोग जो हैं अपने भाग्य का विधाता अल्लाह को, ईश्वर को या देवी देवताओं को मानते हैं। ये तो हो गया आस्तिक जीवन, उनको खुश करने के लिए कष्ट भुगतते हैं, कोई तपस्या करता है, कोई बहुत सारे जो है क्रियाकलाप करता है, यानी कि वो जो है पर शक्ति को खुश करना चाहते हैं, बलि देता है, कोई कुर्बानी देता है। एक तो जीवन ये है, दूसरा जीवन क्या है, नास्तिकता का जीवन, यानी कि वो किसी को भी नहीं मानता, वो सारे काम करता है उल्टे, नशा भी करता है, व्यभिचार भी करता है, बेईमानी भी करता है, रिश्वतखोरी भी करता है, हत्याएं भी करता है, मांसाहार भी करता है, उसका जीवन नास्तिकता का होता है। लेकिन इन दोनों जीवन के बीच से जो रास्ता जाता है वो होता है पवित्र जीवन जीने का रास्ता, जो भगवान बुद्ध ने बताया है मध्यम मार्ग, यही मध्यम मार्ग पवित्र जीवन जीना, यानी कि शीलवान जीवन को जीना। और शीलवान व्यक्ति इस संसार के अंदर प्रत्येक जीव जंतु और मानव जाति के लिए सुख का कारक बनता है, वो कभी भी जो है किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकता, तभी ये मानव जाति सुखी रही। आज देश के अंदर हम मानते हैं, आप किसी भी व्यक्ति से पूछकर देख लो, वो किसी ना किसी धर्म का पालन करता ही है, लेकिन सभी धार्मिक पालन करने वाले मनुष्यों के बीच में बेटियां सुरक्षित नहीं है, जीव सुरक्षित नहीं है, मनुष्य को मनुष्य मार रहा है, जवान या बच्चे नशे की लतों में लगे पड़े हैं, और हम मनुष्य जो है दूसरों की संपत्ति को हड़पने के लिए उतारू रहता है, अफसर अधिकारी बैठ जाता है वो रिश्वतखोरी की नियत रखता है, दूसरे की संपत्ति पर दृष्टि गड़ाए रखते हैं और अपना जीवन नशे में व्यतीत करते हैं। धार्मिक होने के बाद भी इतने सारे जो हैं कुछ संस्कारों को अपनाए हुए व्यक्ति, क्यों? क्योंकि उन्हें संस्कार नहीं अपनाने हैं, उन्हें बस परशक्ति को खुश करना है। लेकिन बुद्ध ऐसा नहीं कहते, बुद्ध कहते हैं मनुष्य ही अपने भाग्य का विधाता है, इसलिए भगवान बुद्ध सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, शीलों का मार्ग। इसलिए आपने कई बार सुना होगा ओम वाणी पद्मे हम, ये जो मंत्र है ओम वाणी पद्मे हम, यानी ओम माने पूरा ब्रह्मांड, वाणी मणि से कीमती, मणि बहुत कीमती होती है ना, मणि से कीमती पद्मे चले, ओम वाणी पद्मे हम, यानी मार्ग पर हम चले, पद्मे यानी मार्ग, मार्ग पर हम चले। इस संसार में जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, सबसे पवित्र मार्ग है, जो मणियों से कीमती मार्ग है, वो है शीलों का मार्ग, वो है भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया अष्टांगिक मार्ग, उस मार्ग पर हम चलें। इसीलिए बुद्ध को ही अपनाना इस संसार के लिए उचित है, बुद्ध ही इस संसार को सुख देते हैं, बुद्ध ही इस संसार में शांति स्थापित करते हैं। वरना आज आप देख लो बहुत सारे संसार के अंदर देश हैं और सभी ने मानव जाति को नष्ट करने के साधन जुटा कर रखे हुए हैं, सारे धार्मिक देश हैं, सभी के पास परमाणु बम है, इतने परमाणु बम बना दिए, अगर ये परमाणु बम फटेंगे जिस दिन, तो ये पृथ्वी या तो पानी से ढक जाएगी या तो आग का गोला बन जाएगी, यानी मनुष्य ने अपना ही विनाश का साधन जुटा लिया। इसलिए बुद्ध ही इस पृथ्वी को सुखमय कर सकते, बुद्ध का मार्ग ही मनुष्य को मानवता सिखाता है, बुद्ध का मार्ग ही मनुष्य के अंदर प्रेम,
डालता है, प्रेम सिखाता है, मनुष्य से मनुष्य को प्रेम करना सिखाता है। इसलिए बुद्ध के मार्ग में ही सभी जीव जंतु मानव जाति पेड़ पौधे सुरक्षित हैं, अन्यथा और किसी मार्ग में सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमें बुद्ध को ही अपनाना चाहिए। गुरुवर, साधारण उपासकों के लिए आपके पास क्या संदेश है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उपासकों, जब हम मिलिंद प्रश्न को पढ़ते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अपने भाषण में, जब उन्होंने दीक्षा ली नागपुर में, उसके बाद जो भाषण दिया उसमें भी इसका जिक्र किया है। तो मिलिंद प्रश्न में राजा मिलिंद भिक्षु नागसेन से प्रश्न करते हैं कि किसी भी धर्म को लुप्त होने के क्या कारण हो सकते हैं, यानी किसी भी धर्म को खत्म होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो भिक्षु नागसेन को कहते हैं, पहला कारण तो कि मनुष्य के जीवन में धर्म ना रहे, यानी मनुष्य अपने जीवनचर्या से धर्म को निकाल दे, ये होता है। दूसरा कारण, योग्य गुरु ना हो, यानी कि योग्य गुरु जो सामने वाले उपासक के प्रश्न का जवाब ना दे सके या सही से धर्म को ना समझा सके, ऐसे गुरु ना रहे और धर्म का प्रचार ही ना हो, क्योंकि गुरु नहीं रहेंगे तो प्रचार ही नहीं होंगे तो धर्म लुप्त हो सकता है। तीसरा, धर्म स्थल ना रहे, अगर धर्म स्थल नहीं रहे तब भी धर्म लुप्त हो सकता है। तो मेरा इन जब तीनों प्रश्नों को पढ़ता हूं तो मेरा वो साधारण उपासकों के लिए यही संदेश है कि सभी के सभी अपने घरों के अंदर भगवान बुद्ध की अच्छे से मूर्ति रखें, प्रतिदिन रोज उसके सामने अगरबत्ती लगाएं, अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार डालें, सप्ताह में एक बार कम से कम, हो सके तो नजदीक बौद्ध विहार हो तो रोज जाएं, नहीं तो सप्ताह में एक बार बौद्ध विहार में जरूर जाएं, वहां पर जो धर्मगुरु हैं उसके प्रवचन सुने। यदि कोई धर्मगुरु प्रवचन नहीं करता है तो भगवान बुद्ध को तिरवंदनीय प्रणाम करके वापस आ जाएं, लेकिन अपने जीवन में इसको ढाल लें कि हमें ये करना ही करना है। और तीसरा, हमेशा धर्मगुरुओं का सम्मान करें और अपने बीच से धर्मगुरु बनाने का प्रयास करें या स्वयं धर्मगुरु बनने की सोचें, क्योंकि जब तक धर्मगुरु नहीं होंगे तब तक धर्म नहीं फैल सकता। हमेशा ही धर्म स्थलों की सुरक्षा करें और धर्म स्थलों का निर्माण करें, नए धर्म स्थलों का निर्माण करना भी अनिवार्य है। अपने जीवन में छोटे से छोटे संस्कार के भी बुद्ध धर्म के अनुसार करें, धर्म के संस्कारों को अपनाएं, हमेशा योग्य धर्म गुरु को घर बुलाएं और घर में उनके संस्कारों से ही अपने जीवन को प्रकाशित करें, यही मेरा उपदेश है, यही मेरा संदेश है सभी उपासकों के लिए। धन्यवाद गुरु। नमो नमो।